हुड्डनपुर नाम के एक गांव में लटकेश नाम का एक भोला भाला बैल रहता है। लटकेश बैल इतना भोला है कि एक छोटे से बच्चे के मजाक को भी सच मान लेता है। ऐसे लटकेश को और बुद्धू बनाता रहता है लटकेश का चाचा। मैं ये बात सुनकर बच्चे से बड़ा हो गया हूँ चाचा जी। ना वो दिन आ रहा है, ना ही मेरी किस्मत बदल रही है। वो दिन बोलकर थोड़ी ना आती है ना बेटा, लेकिन जिस दिन भी आएगा याद रखना तुम्हारी किस्मत ये केले के पेड़ में ही होगा। लटकेश का चाचा उसे बचपन से ही हर काम से और पढ़ाई से भी दूर रखकर सिर्फ एक ही बात का लालच देता आया है कि उसकी किस्मत एक जादुई केले के पेड़ में है और एक ना एक दिन उसे जरूर मिलेगा। भोला लटकेश अपने चाचा की बात सुनकर जिंदगी भर उसी दिन का इंतजार करता आया है, अपनी माँ की भी बात सुने बिना। तू कभी भी मेरी बात क्यों नहीं सुनता है बेटा? तेरा चाचा एक नंबर का कमीना है, अपने बच्चों को बड़ी बड़ी पढ़ाइयाँ पढ़ा रहा है और तुम्हारा ये क्या हाल बना दिया है देखो। माँ, तुमसे कितनी बार कहा है चाचा जी के बारे में गलत मत कहो। कोई बुरा चाहने वाला इतने प्यार से बात करता है क्या? चाचा जी तो आपसे भी अच्छा बात करता है मुझसे। ऐसे कहकर गुस्से में चला जाता है लटकेश बैल और उसकी माँ उसके बारे में सोच सोच कर परेशान होने लगती है और उसी परेशानी में बीमार भी होने लगती है। लटकेश को ये बात तब समझ में आती है जब ये डॉक्टर ऐसे कहता है, बहुत देर हो गई है, तुम्हारी माँ को बचाने का एक ही तरीका है और उसमें बहुत ज्यादा पैसे लगेंगे। अपनी माँ को बचाना चाहते हो तो जल्दी से पैसों का इंतजाम करो। पैसों की चिंता मत करो डॉक्टर साहब, मेरे चाचा जी के पास बहुत पैसे हैं और वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए पैसों की चिंता नहीं है। अब जल्द से जल्द बस ऑपरेशन शुरू करने की तैयारियां करो। ऐसे कहते हुए जाकर लटकेश अपने चाचा को सारी बात बताता है और जल्द से जल्द उसकी माँ का इलाज करने के लिए पैसे देने को कहता है। लेकिन चाचा की बात सुनने के बाद लटकेश के होश उड़ जाते हैं। मैं तुम्हें पैसे क्यों दूंगा भाई? ना तुम मेरे बेटे हो, ना ही वो मेरी पत्नी है। मैं तुमसे सिर्फ दो शब्द अच्छे से बात करता हूँ क्योंकि तुम मेरे स्वर्गवासी भाई के बेटे हो। मुझसे ऐसे उम्मीदें मत रखा करो और अब जाओ यहाँ से। अभी अभी ताजा लगे इस झटके को बाजू में रखकर लटकेश अपने चाचा को पैसे देने के लिए लाख कोशिशें करता है, लेकिन चाचा साफ मुंह मोड़ लेता है। तब लटकेश को समझ में आता है कि उसका चाचा कमीना है और माँ सच्ची है। मुझे कैसे भी करके माँ को बचाने के लिए ढेर सारे पैसे कमाने होंगे। क्या करूँ, कैसे कमाऊँ पैसे? ऐसे कहते हुए गांव भर में पैसों की तलाश में घूम रहे लटकेश को जंगल से लकड़ियाँ काट कर लेकर आने की काम मिलता है। वो कोई आम लकड़ियाँ नहीं थी। मिलने पर पुलिस वाले चारों टांगे तोड़कर जेल में भी डाल सकते हैं। फिर भी लटकेश उस काम को करने के लिए हाँ करता है। काटी हुई लकड़ियाँ लेकर शाम को यहाँ पर मिलना, तुम्हें तुम्हारा पैसे मिल जाएंगे। ठीक है कहकर लटकेश एक कुल्हाड़ी लेकर जंगल में चला जाता है और उन खास पेड़ों को ढूंढने लगता है। उसे वो पेड़ तो कहीं पर भी नजर नहीं आते हैं, लेकिन एक केले का पेड़ नजर आता है। लटकेश कुछ देर उन पेड़ों को ढूंढना बंद करके जाकर दो केले तोड़कर खा लेता है और उसी पेड़ के नीचे सो जाता है। ऐसे शाम हो जाती है। इतनी जल्दी शाम भी हो गई? थोड़ी देर के लिए ही तो आग बंद की थी।
आज का दिन बेकार चला गया, पता नहीं और कितने दिन बचे हुए हैं। ऐसे कहते हुए दुखी लटकेश अपनी माँ के लिए भी कुछ केले लेकर जाता है और उन्हें खाने के लिए देता है। लटकेश की माँ वो केले खाकर सो जाती है और अगले दिन सुबह बहुत ही अच्छी सेहत के साथ उठकर लटकेश से ऐसे कहती है, ऐसा क्या था बेटा उन केलों में खाने के बाद सेहत इतनी अच्छी हो गई है? ऐसा लग रहा है मैं अभी छोटी बच्ची हूँ, सच में चमत्कार हो गया है ये तो। अपनी माँ की बातें सुनकर लटकेश एक पल के लिए सोच में पड़ जाता है और फिर से उस जंगल में जाकर एक मरीज को वो केले खिलाता है। वो मरीज भी ठीक होने पर लटकेश समझ जाता है कि यही वो मौका है और भोला भाला लटकेश एक ही दिन में बहुत बड़ा वैद्य बन जाता है। असली बात पता चलने पर लटकेश का चाचा रो रो कर अपना माता पीटने लगता है। चुल्लापुर नाम के एक गांव में रंगनाथ नाम का एक बूढ़ा लोहर रहता है। रंगनाथ बूढ़ा होने के बावजूद भी बहुत मेहनत से काम करता है और बदले में अपना नालायक बेटे से कोई उम्मीद नहीं रखता है, वो बस उसके भविष्य की फिक्र करता है। पता नहीं मैं और कितने दिन काम कर पाऊंगा, इससे पहले कि मेरी शरीर जवाब दे दे, तुम कोई काम सीख कर कर लो, जिस भी काम में तुम्हारी खुशी हो वो काम। मुझे तो खाकर आराम से गलियों में घूमना ही पसंद है पिताजी, और मैं हर रोज बिना छुट्टी के वही करता हूँ। तुझे हर बात मजाक क्यों लगती है? एक ही बेटा है कहकर इतना प्यार ना करते तो आज ऐसा नहीं होता, सब हमारी ही गलती है। ऐसे बिट्टू के माँ बाप हर रोज उससे परेशान होते रहते हैं, लेकिन बिट्टू को अपने माँ बाप की परेशानी से कोई दिक्कत नहीं होती है। वो मजे के चक्कर में बहुत गलत काम कर रहा था और उसे ये बात समझाने वालों से 10 कदम दूर ही रहता है। क्यों रे नालायक, सुबह हो गई और तू सूरज के साथ ही गलियों में घूमने के लिए निकल गया है? कुछ तो शर्म कर और अपने माँ बाप की सहायता करो। क्या बूढ़े चाचा, आप भी सुबह सुबह शुरू हो गए? अभी अभी घर से एक वासना सुनकर आ रहा हूँ। ऐसे कहते हुए बिट्टू वहाँ से चला जाता है और दिन भर में एक बार भी वहाँ से लौट कर नहीं आता है। ऐसे ही गलियों में घूमकर खाने के लिए घर लौटे हुए बिट्टू को उसके कड़ूस मामा नजर आते हैं। लो आ गए हैं हमारे गलियों में घूमने वाला राजकुमार, तुम्हारे आने से पहले यहाँ पर तुम्हारी ही चर्चा हो रही थी। आगे भी मेरी ही चर्चा होने वाली है, तो क्या सोच रहे हो? कह दो जो कहने के लिए इतने दूर से सफर करके आए हो। मेरे तो कान फक गए एक ही बात सुन सुन कर। बिट्टू के मामा उसके लिए एक गाय लेकर आए थे ताकि वो उससे दूध का व्यापार करके कुछ पैसे कमाकर अपने माँ बाप की मदद कर सके। बस इतना कहकर बिट्टू के मामा वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन बिट्टू एक दिन भी उस गाय के दूध को निकलकर व्यापार करने के बारे में नहीं सोचता है। दूध निकलने के बजाय वो गोबर उठाकर सुखाने लगता है। वो देखकर उसकी माँ परेशान होते हुए, पता नहीं किस मनहूस घड़ी में तेरा जन्म हुआ था जो ऐसा पागल बेटा मिला है हमें। सोने जैसे गाय के दूध को छोड़कर उसका गोबर सुखा रहा है, पता नहीं इस जिंदगी में और क्या क्या देखना बाकी रह गया है। ऐसे कहते हुए रजनी ही दूध निकालकर घर के पास बेचने लगती है, लेकिन बिट्टू भी अपना गोबर सूखने वाला काम नहीं रोकता है। सुनो
सुना है तुझे गाय के दूध से ज्यादा उसके गोबर में दिल छापसी है? तू जैसे सर फिरे से और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? ऐसे गांव के कुछ लोग अब बिट्टू का मजाक भी उड़ाने लगते हैं, लेकिन बिट्टू किसी की बात का कोई जवाब नहीं देता है। और एक दिन उस सुखाए हुए गोबर को गीले गोबर के साथ मिलकर अपने सारे घर पर लगाने लगता है, छत से लेकर दीवारों तक। वो देखकर रंगनाथ, ये क्या बेवकूफ हरकतें कर रहा है मेरे घर के साथ? मैं अब तक तो चुप था, लेकिन अब तेरी ये हरकतें मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। निकल जाओ मेरे घर से। जैसी आपकी इच्छा है पिताजी, लेकिन अपना काम खत्म करके ही जाऊंगा यहाँ से। मुझे बस ये काम करने दीजिए। ऐसे कहते हुए बिट्टू सारे घर को गोबर हाउस बनाने के बाद ही वहाँ से हटता है। असल में बिट्टू ये सब इसीलिए कर रहा था क्योंकि पिछले 10 दिन से न्यूज में कुछ अजीब से परेशान करने वाले ढेर सारे कीड़ों का झुंड उन्हीं के गांव की ओर बढ़ रहा है, इसलिए बिट्टू ये गोबर लगा रहा था। बिट्टू भी काम खत्म करके एक पेड़ के पास जाकर बैठ जाता है। कुछ ही देर में वो उड़ते हुए कीड़े आता है और गांव में हर एक के घर के पास एक बड़ा झुंड रह जाता है। लेकिन रंगनाथ के घर के आसपास भी एक कीड़ा भी नजर नहीं आता है। उस गोबर की वजह से रजनी अपने सारे काम हर रोज की तरह कर रही थी। हमने हमारे बेटे के साथ ठीक उस वक्त छोड़ दिया जब वो समझदारी और जिम्मेदारी वाला काम करने लगा था। वो हमें सुरक्षित रखकर खुद पता नहीं कितना परेशान हो रहा है। अपनी पत्नी की बात सुनकर रंगनाथ अपने बेटे को ढूंढने के लिए जाता है और उसे ढूंढकर घर लेकर आता है। उसके बाद कीड़े जाने तक का इंतजार करके बिट्टू सारी जिम्मेदारियां खुद ही संभालकर अपने माँ बाप को आराम करने को कहता है।